सेठ जी, आप यहाँ? क्या हुआ? कर्म और उसके फल का खेल। कल जिसने हम पर कीचड़ उछाला था, आज वो खुद कितना साफ है ये पता चल गया है। कंपनी के इन पुराने वफादार लोगों का कहना है कि कल जो तुमने इन पे इल्जाम लगाया वो तुम्हारी एक शातिर चाल थी, ताकि कंपनी की नजरों में तुम अच्छा बनकर खपला कर सको। नहीं सेठ जी, मैंने कोई घपला नहीं किया, मैंने जो कहा है तथ्य के आधार पे कहा है। सुबह सिपाहियों की एक टुकड़ी युद्ध के लिए गई, उन्हें स्टॉक तुमने सप्लाई किया था ना? जी। यहाँ की तलाशी लो। जी। ड्राई फ्रूट्स के पैकेट्स तो सैनिकों के लिए जाने थे, ये सब भी तो मतलब शक सही था। पुरानी फाइलें तुम इनके साथ क्या कर रहे थे? ये तो बहुत गोपनीय फाइल है, कहीं तुम ये सारी सूचना किसी और तक पहुंचाने का प्लान तो नहीं कर रहे थे? शिरजी, आजकल दुश्मन देशों के लिए बहुत लोग काम कर रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो जानते हैं कि मैं... मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे लगा था तुम अच्छे आदमी हो, लेकिन मैं गलत साबित हुआ। यहाँ आते ही तुमने मुझसे मेरे वफादारों को दूर करने की कोशिश की, उन पे गलत इल्जाम लगाकर, जबकि तुम खुद बेईमानी कर रहे हो, चोरी कर रहे हो। मैं अपनी कंपनी की बदनामी नहीं चाहता, इसलिए तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूंगा। 4 दिन में इसने जितना भी घपला किया है उसका हिसाब चाहिए मुझे इससे। अगर नहीं देता है तो फिर मैं बदनामी की चिंता भी नहीं करूंगा। इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। धक्के मार के बाहर निकालो इसे। चले, चल, निकल, चल। निकाल निकाल बाहर निकाल सामान, निकाल सारा सामान निकाल। ऐसी किसी की भी बातों में आकर आप हम पर अन्याय नहीं कर सकते। पूरी जिंदगी निकल गई इस शहर में, मुझे अच्छे से मालूम है किस पे यकीन करना है किस पे नहीं। निकाल। चिंतामणि जी शांत हो जाइए, बात क्या है, आप हमारा सामान बाहर क्यों निकाल रहे हैं? ये शरीफों की चौल है, चोरों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। चोरों के लिए? लेकिन किसने चोरी की? तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? लेकिन आप किस संदर्भ में बात कर रहे हैं? तुमने जो अपने दफ्तर में घपला किया है, और क्या पता यहाँ भी किसी को ठग दो। दफ्तर में घपला?
लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। हर चोर यही बोलता है। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, ये कोई साजिश है, क्योंकि मैंने कल दफ्तर में किसी को चोरी करते हुए पकड़ा है, इसीलिए। वो तुम जानो, तुम्हारा दफ्तर जाने, मुझे बाजार में ये नहीं फैलाना है कि चिंतामणि लेले की चौल में चोर उचक्के भी रहते हैं। नहीं तो धंधा ही चौपट हो जाएगा मेरा तो। लेकिन आपको किसी ने गलत खबर दी है, मैं तो चोरों से लड़ रहा हूँ, वो तो घर भी आए थे मुझे धमकाने के लिए, आप मेरा विश्वास कीजिए। ये गलत बात है, अचानक से हम कहाँ जाएंगे? सामान उठाओ, भाड़ में जाओ, समझे क्या? मेरे को परवाह नहीं, समझे? चलो जाओ यहाँ से, और तुम लोग भी चलो, अपने अपने घर में जाओ, चलो। आओ दुआ। समा, चावल के साथ अन्याय क्यों कर रही हो? मतलब? लोग कंकड़ चुनते चुनते अक्सर चावल बाहर फेंक देते हैं, ठीक उसी तरह जैसे किसी बेकसूर पर अन्याय हो। एक राम जी का ही दरबार है जहां किसी के साथ अन्याय नहीं होता है। और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरा बेटा राम जी की इच्छा जरूर पूरी करेगा। वो जो भी है, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, उसकी रक्षा होगी। किसकी तैयारी हो रही है भाई सामा? बाजी के लिए चावल की भाकरी बनानी है। एक इच्छा अपनी इस बेटे की भी पूरी कर दो। बोलो। आज रात उकड़ी से मोदक खाने का मन कर रहा है भाई सामा, बना दोगी? मेरा बेटा मुझसे कुछ मांग रहा है, उसकी इच्छा कैसे पूरी नहीं करूंगी? मैंने एक फैसला किया है। हम तुम्हारे बाबा के घर में नहीं रहेंगे। ना बाबा के घर, ना बंबई में, हम शिरडी वापस जाएंगे। बंबई इतना पराया कभी नहीं लगा था मुझे। नहीं रहना है मुझे एक और भी दिन यहाँ। ना मैं खुश हूँ, ना राजा खुश है, ना आप खुश है, तो क्यों रहे यहाँ? इससे भले तो हम शिरडी में थे, हम आज ही शिरडी के लिए निकलेंगे। एक बार फिर सोच लो। मैंने सोच लिया। जी साई। मैंने जो मंगाया था लिया है? जी साई। साई, साई। लेकिन ये किस लिए साई? हरिओम हरिओम। नमस्ते। आप लोग यहाँ अचानक? अगर पहले सूचना दी होती तो आपके स्वागत की तैयारी कर देता मैं। सरकार, ये लोग मुझसे मिलने आए हैं,
शिरडी के भविष्य को लेकर कोई जरूरी बात करने के लिए है। अच्छा, तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? वो इसलिए कि ये लोग जिस विषय के संबंध में बात करने आए हैं उसमें आपकी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे भी कुलकर्णी सरकार, बलवन जी से ज्यादा अधिकार तो आपके पास भी नहीं है। अब बलवन जी से मिल लिए, मतलब आपसे भी मिल लिए। वैसे भी आपको खेत की कटाई देखने जाना था, अब वो आई है। क्या हुआ? आपको तो खुश होना चाहिए, हम शिरडी वापस जा रहे हैं। लेकिन कैसे जाएंगे? सब पैसे तो खत्म हो गए, किराए में, स्कूल की फीस में, खाने पीने में। अब कुछ दिन काम करना पड़ेगा, पैसे कमा के ही वापस जा सकते हैं। तो मेरे बाबा से मदद? पराए है क्या वो? क्या मैं आपके घर का नहीं खाती हूँ? क्या मैं आपके बाबा को अपने बाबा समान नहीं मानती हूँ? मैंने तुमसे विवाह करके तुम्हारी जिम्मेदारी स्वीकार की थी तेजस्वी। तुम्हारे बाबा को आश्वासन दिया था कि तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हारी जरूरतें पूरी करूंगा। सत्यवादी हरिश्चंद्र बनने का क्या फायदा है? पता नहीं उस साई ने आपके दिमाग में क्या भर दिया है। खुद जैसे भिखारियों की तरह रहता है, वो चाहता है वैसे ही और लोग भी रहे। साई नहीं होता जिंदगी में तो तेजस्वी, मत भूलो कि ये सब ठीक हुआ है तो साई के कारण। और मैं अब भी बंबई में रहकर तुम्हें अच्छा घर, तुम्हें अच्छी जिंदगी देना चाहता हूं। केवल धैर्य से काम लेना होगा तुम्हें। हो गया, अब और सब्र नहीं है मुझमें। और आपका साई इतना महान है तो कहिए ना उसे हमें यहां से निकाले। क्या थोड़े भी पैसे नहीं है? इतने नहीं कि शिरडी पहुंच सके। कभी जो कठिन हो जाए, मन विचलित हो और कोई मार्ग न पाए, अंधियारे की गहरी रात जो आए, हिम्मत टूटे और कुछ भी समझ न आए, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा, तू श्रद्धा भक्ति धीर तुझे उस पार लगाए, तेरा संयम और विश्वास तुझे राह दिखाए। ओम साई, ओम साई, ओम साई, ओम साई, ओम साई, ओम। ये तो बंबई से मनमाड़ की रेलगाड़ी का टिकट है। तुम्हारा लाया टिकट यात्री तक पहुंच गया होता। देखा तेजस्वी, साई की लीला। साई अपने भक्तों से कभी दूर नहीं होते, उन्हें सबके सुख दुख का पता होता है। मैं जानती थी कि वो नहीं चाहता है कि हम यहां सुख से रह पाए। इतनी चिंता थी तो आपको सफलता दिलवा देता। आप तो ईमानदारी से काम कर रहे थे ना,
वो बस इतना चाहता था कि हम बंबई आए ताकि मुझे नीचा दिखा सके, मेरा अपमान हो सके। तेजस्वी, ये क्या है? अभी तुम खुद कह रही थी कि तुम्हें वापस शिरडी जाना है, जबकि मैं बंबई में रहना चाहता था। साईं की कृपा से हमें घर जाने का टिकट मिल गया और तुम साईं को कोसने लगी। ये मत सोच तू यहां रहेगी और मैं कुछ नहीं करूंगी, तेरे किए की सजा मैं तुझे दूंगी। पछताएगी तू कि क्यों तूने महेश को अपने जाल में फंसाया। और वो तेरा फकीर, वो भी तुझे बचा नहीं पाएगा। लंबी यात्रा करके आई हो, थक गई हो, अंदर चल के आराम करो। चलो, आराम तो अब इसका जीना हराम करके ही करूंगी और बहुत कर दूंगी मैं तुझे। माफ कर देना सावरी, वो अभी अपने आपे में नहीं है। आपने क्या बनाया है? एक बात बताओ श्रीकांत, ये पत्थर कौन से वर्तुल में है? तीनों में साईं। मतलब एक पत्थर जिसे मैंने सबसे छोटे वर्तुल में रखा, इन तीनों वर्तुलों का हिस्सा हो गया, क्योंकि ये वर्तुल इन दो वर्तुलों का हिस्सा है। बिल्कुल सही, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? इस संसार में प्रेम से बड़ी, प्रेम से शक्तिशाली भावना और कोई नहीं है। ये सबसे छोटा वर्तुल मतलब हमारे आसपास के इंसान है, ये दूसरा बड़ा वाला मतलब हमारा देश, और ये सबसे बड़ा वर्तुल मतलब ये दुनिया। जब इंसान इंसान से प्यार करना सीख जाएगा, तब देश से भी प्यार हो जाएगा और दुनिया से भी। जब बच्चे वसुधैव कुटुंबकम का मतलब समझ जाएंगे, तो ना कोई लड़ाई होगी और ना ही कोई युद्ध। कोई किसी दूसरे पर राज करने का इरादा ही नहीं रखेगा,
देखो अंग्रेज सरकार का आदेश है, अब से आपको यही कपड़े बेचने पड़ेंगे। पर हमारे पास पहले से बहुत साड़ी पड़ी हुई है। मेरे पास भी बहुत कपड़ा पड़ा है, लेकिन हम तो बने बनाए हुए कपड़े दे रहे हैं ना। सोचो ग्राहक को कितनी सहूलियत होगी, सिलाने के लिए दर्जी के पास नहीं जाना पड़ेगा। और ये तो विलायती मशीन की सिलाई है, ऐसी सिलाई आपको कोई कारीगर अपने हाथ से नहीं दे पाएगा। ये बर्तन देखो, स्टील के बने हुए, यानी इस्पात के बने हुए, इसमें कभी भी जंग नहीं लगता। देखिए स्टील के बने हुए हैं, लेकिन दिखने में एकदम चांदी जैसे लग रहे हैं। एक बार पानी मारो तो बिल्कुल नया, इसको ज्यादा घिसना भी नहीं पड़ता है, अब जमाना इसका है। ये तांबा बांबा पित्तल मित्तल ये सब गया। ये बूट देखो, ये पहनने से कभी भी पैरों में कीचड़ नहीं लगेगा, कांटा भी नहीं चुभेगा, किसी भी मौसम में पहनो। देखो अंग्रेज सरकार का आदेश है, अब से आपको यही सामान बेचना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। अभी आपको सोचना है कि आपको धंधा करना है या मंदा करना है। अरे तुम लोगों की उन्नति के लिए सरकार इतना कर रही है, तो आगे बढ़ो, अमीर बनो, यही मौका है। वहां देखो क्या चाहिए बहन जी। आपके पास तांबे के बर्तन नहीं है? बहन जी कहां आप तांबे के बर्तन ढूंढ रही हैं? वो जमाना गया। ये देखिए कम दाम में चांदी की तरह चमकने वाला बर्तन, आधुनिक यंत्रों से बना हुआ, वो भी विलायत में। सालों तक इसकी चमक ऐसे ही बनी रहेगी और ना बार बार इसे घिसने का झंझट। एक बार पानी मारा और ये साफ।
कम दाम में अच्छी चीज मिल रही है। हाँ ठीक है, हमें यही दे दो। जी मुझे वो डिब्बा देना। हाँ जी, ये लीजिए। बच्चों वो देखो, लेकिन मैं तो सालों से कपड़ा लेके कांजे भाव से ही सिलवाता हूँ। थान का कपड़ा तो गोदाम में रखा है, उसे कौन निकाले? ये भी तो देखो भाऊ, पहले तुम कपड़ा बीच खरीदोगे फिर सिलाई भी दोगे, जब तक तुमको अच्छा कपड़ा सिलाई सिला के मिल रहा है। ऐसी मजबूत सिलाई कभी खुलेगी नहीं। आपके नाप का खरीदो और पहनो, ये विलायत में बना है। विलायत में? विलायत में और क्या, ये जो पहनेगा ना वो बंबई का साहब लगेगा। साहब सबको चीजें सस्ती मिली तो इसमें बुरा क्या है? देखते जाओ भाऊ, 5 नई फैशन साड़ी लाया हूं। भाऊ नहीं ले सकता मैं, पहले ही सरकार ने इतनी सारी यंत्रों से बनी हुई साड़ियों को खरीदने पर मजबूर कर दिया है। अगले 2-3 महीने तक कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ऊपर से तुम्हारी साड़ियां इनसे ज्यादा महंगी हैं। फैशन साड़ी तो महंगी पड़ेगी ना भाऊ, हाथ का काम है, आपको तो मालूम है ना। जमाना बदल रहा है भाऊ, मुझे भी बदलना होगा, नहीं तो घर बैठना पड़ेगा। अंग्रेज सरकार के हुक्म से मैंने सारा पैसा लगा दिया है उनका माल खरीदने में, अब तुम्हारी 5 साड़ियां खरीदने की भी औकात नहीं रह गई मेरी। और ऊपर से सरकार ने और लगान बढ़ा दिया, लोगों के पास खरीददारी के लिए ज्यादा पैसे नहीं बच पाएंगे, वो भी पैटनी नहीं खरीद पाएंगे। काका मेरा कुर्ता तैयार है? हाँ उद्धव तैयार है। लो तो पहन के देखना। क्या बात है काका, आज आपकी दुकान खाली कैसे? पूरा बाजार बने बनाए कपड़ों से भरा हुआ है, कम दाम में, ऐसे में कोई दर्जी के पास क्यों सिलवाएगा? सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया है। उद्धव ऐसे ही चलता रहा तो ये दुकान बंद करनी पड़ेगी। हम समझ गए साईं, इस विदेशी सामान के आने से बहुत लोगों का नुकसान भी हो रहा है और ये गलत है। हम ऐसे हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठ सकते, हमें कुछ करना होगा। एक काम करते हैं, आज शाम को चौक पर सभी दोस्तों को जमा करते हैं, उसके बाद फैसला करते हैं कि क्या करना है।
विवा काका, चंदू काका, आप लोग समझ रहे हैं ना कि विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना जरूरी क्यों है? तुम सब ठीक कह रहे हो। अब से हम लोग ये विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे। मेरे पास जितने भी है वो भी ला कर देता हूँ। हाँ, मैं भी अपने विदेशी जूते लाता हूँ। तुम सब देश के लिए जो सोच रहे हो वो सराहनीय है, लेकिन देशभक्ति की अभिव्यक्ति कैसे करते हो ये महत्वपूर्ण है। हिंसा और विनाश के सिद्धांत केवल क्षति पहुंचाएंगे। इसलिए साईं हम लोगों को बहिष्कार के लिए मना रहे हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन बहिष्कार और विरोध कई तरह के होते हैं। या तो शांति से बात करके अपनी बात समझाई जाए या प्रचंड विरोध करके, दोनों के अपने अपने परिणाम होंगे। साई, हम आपकी बात समझते हैं और हम हर परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने मासूम भाई बहनों को, बच्चों को ये अत्याचार सहने नहीं देंगे। इन अंग्रेज सरकार की कुनीतियों के कारण हम किसी भी अपने को भूखा नहीं रहने देंगे। साई, अगर तुमने ये सोच लिया है तो मैं तुम्हारे साथ हूं। अनुभव नापा जाता है कितनी बड़ी जिम्मेदारियां संभाली हैं उस पर। जिस बंबई शहर को मैं संभाल रहा था उसमें शिरडी जैसे 50 गांव समा जाएंगे। इतने बड़े शहर को सफलतापूर्वक संभाला है मैंने, तो क्या आपकी शिरडी और क्या आपका वो पकी, और इसमें मुझे किसी की सहायता नहीं चाहिए। पहली बार कोई सरकारी काम मुझे छोड़कर किसी और को सौंप दिया गया है। पहली बार। आपके पाप का घड़ा भर गया है, बस अब और नहीं कुलकर्णी सरकार, आपका पतन निकट है। लेकिन मैं कुलकर्णी सरकार हूं, ऐसे हार नहीं मानूंगा। बता दूंगा उस बलवन को कि असली शिरडी का राजा कौन है। हरिओम। इस पौधे के फूल सिर्फ रात में खिलते हैं, और वो भी एक समय पर। सृष्टि में ऐसा पौधा और कोई भी नहीं है। बस कीजिए, मुझे पौधे के बारे में नहीं, अपनी समस्या के समाधान के बारे में जानना है। क्या आपके पास उसका उपाय है या नहीं, ये सीधे सीधे बताइए। मेरी इतनी मुश्किल घड़ी में आप ज्ञान बांट रहे हैं मुझे। तुम भी तो यही कर रहे हो ना बिला, बिना मौका देखे अपना ज्ञान बांट रहे हो। अंग्रेजों के रहम पर स्कूल चल रहा है और बातें हो रही है देशभक्ति की, इन्हें सही करना ही पड़ेगा। ये जरूरी नहीं कि जो हमें सही लगे वही सही हो। तुम्हारी समस्या का समाधान यही है बिलाल। कितने भी पढ़े लिखे हो, कितना भी तजुर्बा पालो, कितने भी अधिकार पालो, लेकिन जब तक तुम दूसरों की भावना नहीं समझोगे, उनका सम्मान नहीं करोगे, उन्हें अपने समान नहीं समझोगे, तब तक ना तो तुम किसी का भरोसा जीत पाओगे
ना ही अपनी छवि सुधार पाओगे। लोगों से जुड़ना है तो पहले अलगाव खत्म करना सीखो, और जब अलगाव खत्म हो जाएगा तब जुड़ने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, क्योंकि तब तुम्हें एहसास होगा कि हम सब एक ही शक्ति, एक ही ईश्वर के अंश हैं। कितनी किताबें पढ़ के भी ये कितनी बड़ी बात नहीं सीख पाया मैं, जो आपने मुझे सिखा दी। चलता हूं साईं। बलवन जी, गांव वालों की भावनाओं को समझिए। जो आपको सही लगता है उसे करने के लिए गांव वालों पर जोर मत डालिए, तभी शांति बनी रहेगी। बच्चों, आज हम लोग भाग करना सीखेंगे। मास्टर जी, केसरी। बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले हम अखबार पढ़ लेते हैं। ये क्या है श्रीकांत जी, केसरी, और वो भी इस पाठशाला में? बच्चों का मातृभूमि से प्रेम जगाने के लिए मंगवाया है, और उसी प्रेम की अभिव्यक्ति को अंग्रेज सरकार देशद्रोह कहती है। उन्हें जो समझना है वो समझे, वो उनका नजरिया है और ये मेरा। उचित है, इंसान अपना व्यक्तिगत नजरिया कुछ भी रख सकता है, पर ये पाठशाला सरकारी है, और हाल ही में अंग्रेज सरकार ने कई अन्य जिम्मेदारियों के साथ साथ मुझे इस इलाके का शिक्षा निरीक्षक नियुक्त किया है, और मेरे अनुसार इस पाठशाला में ये अखबार ना तो आप पढ़ सकते हैं ना किसी अन्य को पढ़ा सकते हैं। बच्चों पर बुरा असर होगा। आइंदा इस पाठशाला में ये अखबार नजर नहीं आना चाहिए। और एक बात, कल जो कपड़े जलाए गए उसके बाद अंग्रेज सरकार बहुत नाराज है। हम बड़े तो अपनी हरकतों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं, लेकिन ये बच्चे मासूम हैं। इन पर कोई आंच ना आए इसलिए मुझे अब कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। तो अब से इस पाठशाला में किसी भी तरह के देशभक्ति और आजादी के गीत नहीं गाए जाएंगे। अब किसी भी आदेश की अवमानना हुई तो ब्रिटिश सरकार ये पाठशाला बंद करा देगी। अब आप ही सोचिए क्या होगा इन बच्चों के भविष्य का। अपने लिए ना सही, इन बच्चों के लिए तो ये सब संभालना पड़ेगा हमें श्रीकांत जी। और हाँ, अंग्रेज सरकार इस पाठशाला में कई तरह के बदलाव लाने वाली है, उनके लिए भी तैयार रहिएगा। कैसे बदलाव, ये तो अंग्रेज सरकार ही बता सकती है। थोड़ा धैर्य रखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.